फ्रेंड्स, आप मेरी कोई सी वीडियो देखो या ना देखो, इस वीडियो को आप जरूर से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। क्योंकि देखो, बहुत से बंदे हैं जो चाहते हैं बिना किसी कॉन्वो फाइल यूज करे, उनको क्योंकि डर लगता है कि मेरी आईडी बैन हो जाएगी, तो उन लोग चाहते हैं कि मैं बिना कॉन्वो फाइल यूज करे कैसे फ्री फायर लैग प्रॉब्लम या जो उनसे भी आपको प्रॉब्लम होती सभी प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हो, ठीक। और बहुत से बंदे हैं जो चाहते हैं बिना गेम बूस्टर के लैग फिक्स करना, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो वो, तो आज की इस वीडियो पर मैं आप बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देख लेना। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आपका क्या मालूम आपका फ्री फायर लैग फिक्स होगा या नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप अपना लैग प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको इसी टिप्स को देखो या ना देखो, लेकिन जो लास्ट की टिप है उसको आप जरूर देख के जाना, क्योंकि वो ऐसी टिप्स है जो आपको किसी ने अभी तक आज तक यूट्यूब में कोई ने नहीं बताई होगी, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस टिप को आप मिस बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चा, आप लोग का बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो फ्रेंड्स, टिप वन पे आप लोग को ये डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना यार, उससे कुछ नहीं होता है। उसको ऑन कर लोगे ना डेवलपर ऑप्शन को, और उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स आपको करनी है तो वो सेटिंग्स आप कर लेना। ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, और डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा 5 सेटिंग्स करके, ठीक है। तो उस वीडियो को जाके देख लेना, उस वीडियो पर जब भी आप गेम खेलो तो सभी सेटिंग्स को अप्लाई कर लेना, और उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। उन सेटिंग्स को अप्लाई करोगे तो आपका जो मूवमेंट स्पीड है अच्छा हो जाएगा, और आपका लैग नहीं करेगा, और गेम भी काफी ज्यादा स्मूथ वर्क करेगा, ठीक है। उसको सेटिंग्स को जरूर अप्लाई करके आना। उसके बाद मैं और टिप आपको बताता हूँ, वो आप देखो। फ्रेंड्स, टिप नंबर 2 पर, आपकी जब भी बैटरी आपकी ज्यादा लो हो जाए, 30-20% या 40 से नीचे हो जाए, तो आपको गेम नहीं खेलना, क्योंकि जो फोन की आपकी परफॉर्मेंस है, जितनी ज्यादा बैटरी रहेगी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आपके डिवाइस पर रहेगी, और जैसे ही आपकी बैटरी डाउन होगी तो आपके जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा लो हो जाएगा। और ये आप जरूर नोटिस करना, मैं तो नोटिस कर चुका हूँ, ठीक है। मैं इसलिए आप लोग को ये बता रहा हूँ क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है। और जो आपको बैटरी सेवर मोड है उसको ऑफ करके गेम खेले करना, क्योंकि जब बैटरी सेवर मोड आप ऑन करते हो तो आपका जो परफॉर्मेंस है फोन की वो थोड़ा लो हो जाती है, जिससे आपकी बैटरी ना उतरे, तो उसको आपको ऑफ कर देना है, ऑन मत रखना है बैटरी सेवर मोड को, ठीक है। उससे आपका लैग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और गेम की जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी मिलेगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टिप नंबर 3। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 3 पे ये सभी यूट्यूबर्स कहते हैं आपसे, लेकिन आप लोग का फॉलो करते नहीं हो। आपको ना अपनी स्टोरेज है जो आपको ज्यादा से ज्यादा खाली रखनी है, क्योंकि देखो स्टोरेज अगर आपकी भरेगी तो आपका फोन भी हैंग होने लगता है, आप लोग को मालूम ही होगा, और फोन हैंग होगा तो आपका गेम तो होगा ही लैग, ठीक है। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज को खाली रखना है। अगर आप स्टोरेज खाली नहीं रखोगे तो आपका लैग करेगा ही, ठीक है। तो आपको स्टोरेज हमेशा खाली रखनी है ज्यादा से ज्यादा, और इस स्टोरेज खाली करने के लिए आप फाइल से ऐप का यूज कर सकते हो। उसमें जाएंगे तो आप फाइल से ऐप खोलेंगे तो आपको कुछ समय लेगा, और वो आप क्लियर कैच कर देना। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ टिप नंबर 4। अब देखो, टिप नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो फालतू के ऐप्स रखते हो ना, उनको सीधे अनइंस्टॉल कर दो अभी के अभी, और जो भी आपके काम के ऐप हैं वो ही रखो ऑन, ठीक है। और आप वो भी कर सकते हो जिसका अगर बहुत पुराना डिवाइस है, बहुत लो एंड डिवाइस, तो वो जाके ऐप को डिसेबल कर सकता है। जितने भी आपके फालतू ऐप है उनको अनइंस्टॉल कर दो, आप अपने डिवाइस पर सिर्फ फ्री फायर ऐप को ही रहने दो, क्योंकि अगर कम से कम आपके डिवाइस पर ऐप रहेंगी तो आपकी स्टोरेज खाली रहेगी, और स्टोरेज खाली रहेगी तो आपका गेम लैग नहीं करेगा और आपका फोन भी हैंग नहीं मारेगा, ठीक है। तो स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा भी कभी खाली कर लो। अब देखो, जो टिप नंबर 5 है अपनी, वो टिप नंबर 5 पे आपको करना क्या है, आप जब भी गेम खेलो तो आपके जब भी नोटिफिकेशन आ जाता है, तो नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो आपका गेम तुरंत लैग होने लगता है, या तो फिर आपके डिवाइस पर जैसे ही कॉल आता है गेम खेलते वक्त तो आपका लैग होने लगता होगा, ये आप लोग को पता ही होगा, और ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो नोटिफिकेशन ना आए और फोन आपके ना आए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप गेम खेलो तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन सभी फोन पर रहता है, तो आपको सिंपली डू नॉट डिस्टर्ब का जो ऑप्शन उसको आप ऑन कर लेना, और आपके में DND करके भी हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में, उसको आप जरूर ऑन करके गेम खेलना। मैं भी ऑन करके गेम खेलता हूँ उसको, क्योंकि नोटिफिकेशन आते तो बहुत ही ज्यादा लैग करने लगता है, तो उसको आप ऑन करके खेलना, काफी अच्छी चीज है वो भी, ठीक है।
तो चलिए अब बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, लास्ट टिप होने वाली है जो टिप नंबर 6। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपसे कहा भी था कि इस टिप को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, और ये आपको यूट्यूब में किसी ने भी अभी तक नहीं बताई होगी। तो फ्रेंड्स टिप नंबर 6 पर आपको करना क्या है, आपका फोन हैंग क्यों होता है, लैग क्यों होता है, क्योंकि जब आपका फोन काफी ज्यादा हीट हो जाता है, काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, तभी आपका लैग बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो देखो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसी जगह पे चले जाना है, या तो फिर आपको कूलर के सामने बैठ जाना है, या तो आप अच्छे ठंडे रूम पर चले जाना जहाँ आप गर्मी कम होती हो, कमरा जहाँ गर्म कम हो। चलो अच्छा आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास कूलर नहीं है, या तो फिर आप ऐसी जगह आपके पास नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको अब करना क्या है, ये न्यू ट्रिक है एकदम, अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो आपको करना क्या है, आप एक रुमाल लो, रुमाल को आप गीला करो, गीला करने के बाद उसको निचोड़ो, मतलब उसको पानी उसका निकाल दो, ठीक है, उसके जो कपड़े को हल्का गीला रहने दो। गीला रहने के बाद आपको अपने फोन को उसके ऊपर रख देना है, जैसे ही लॉबी आती है 30 सेकंड की, तो आपको उसके ऊपर रख देना है, और उसके ऊपर रहेगा तो आपका फोन हीट है जो कम होगा, और होने के बाद फिर आप गेम खेल सकते हो। और अपने साइड में रुमाल को रख लेना गीला करके, अगर वो सूख जाता है पूरा तो फिर से आपको गीला करके कर रख लेना है, ठीक है। अब इतना भी गीला मत कर लेना कि आपका पूरा फोन ही गीला हो जाए, ठीक है। और ये काफी ज्यादा यूजफुल है, ये अभी अभी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ इसको, ठीक है। और आपको ये टिप कैसी लगी आप मुझे कमेंट पर जरूर बताना, और ये टिप आपको किसी ने अभी तक बताया था या नहीं ये भी आप बता देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली फ्रेश वीडियो के साथ, जब तक आप लोग इन दो वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तू भी सही है, ये रैपिंग वैपिंग लसन मेरे लिए नहीं है, पर चल रहा तो चलने देना, एक सुखी सही है। हेलो दोस्तों लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।